आई एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। दरअसल आपको बता दें कि अजय देवगन अपनी अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग में लगातार बिजी है। पिछले दिनों जहां उन्होंने थैंक गॉड की शूटिंग खत्म की, वहीं अब मेडे और मैदान को खत्म करने लगे हैं। अमित शर्मा के निर्देशन में बन रही स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग होनी है। बता दें कि फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए शेड्यूल की गई है। मैदान में अजय देवगन एक फुटबॉल कोच और मैनेजर की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग जोर शोर से चल रही थी, मगर पहले महामारी, फिर ताउते तूफान की वजह से फिल्म रोक दी गई। तूफान की वजह से फिल्म का पूरा सेट टूट गया था और निर्माताओं को लाखों का नुकसान सहना पड़ा था। वहीं इस बीच निर्देशक अमित शर्मा भी कोरोना वायरस से ग्रसित हो गए थे। खैर, तमाम बाधाओं को पार करते हुए मैदान की टीम एक बार फिर तैयार है। अक्टूबर मध्य से फिल्म के 25 दिनों का शेड्यूल शुरू किया जाएगा, जिससे पहले मुंबई में फिल्म का पूरा सेट फिर से तैयार किया जाएगा। मड आइलैंड में एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा, जहां फिल्म का क्लाइमैक्स और कुछ अहम सीन्स की शूटिंग होनी है। इस स्टेडियम में कई मैचों की शूटिंग की जाएगी, जिनमें से मुख्य तौर पर जकार्ता में 1962 के एशियाई खेलों का फाइनल मैच है, जहां भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।